अम्मी को तिरका नहीं, सारों को तिरका लगा। YouTube फैमिली कैसे होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अब देख सकते हैं अम्मी लकड़ियाँ बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैंने असर की नमाज पढ़ ली है, तो लकड़ियाँ भी बना के रख दी हैं। माशाल्लाह से काफ़ी आज धूप निकली हुई है, क्योंकि आज इस साइड से हवा चली हुई थी ना, तो इसलिए मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। कुछ कपड़े भी धो लिए थे, अब चलते हैं थोड़ी किचन में, झाड़ू भी देते हैं और लकड़ी भी उठा कर चलते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिलंगू काफ़ी अच्छा है, बहुत ही लग रहा है, बड़ा हो रहा है। मैं यहाँ से ना झाड़ू देती हूँ, अंदर से जाओ, वो बिछाने वाले वो ले आओ और इधर बिछाओ, और बर्तन भी सारे निकाल के रख दो। आप देख सकते हैं मैंने गोभी काट के रख दिया है, तो शेफ भी आ गया है। तो फिर हम शेफ को आप लोगों से भी मिलवाते हैं, कल रात को आ गया था। तो हम आपको वीडियो में क्यों नहीं दिखा सकते, जो सामान लेके माल्टे वगैरह फल फ्रूट लेके रात को आया था ना, हम रात को ही खा गए थे ना, इसलिए तो हम नहीं दिखा सकते। हमारे पास बल्ब नहीं है, तो रात को आया था, हम आपको दिखा देते। तो अभी देख सकते हैं, फिर हम शेफ को आपको मिलवाएंगे। जब शेफ सालन बन जाएगा तो शेफ को हम आप लोगों को ज़रूर मिलवाएंगे। तो प्यारे बाज आप देख सकते हैं धनिया भी आया हुआ है, तो मुझे तो दिल कर गया चटनी बनाऊं। तो लस्सी तो वगैरह नहीं है, तो फिर कल जाएंगे ले आएंगे मिसाइयों से, तो फिर हम कल आप लोगों को दोपहर को ज़रूर दिखाएंगे। हाँ, कल दोपहर को चटनी बनाएंगे, क्योंकि अभी तो शाम हो गई है ना, तो फिर इस टाइम लस्सी भी नहीं मिलती। प्याज काट के ना एक साइड पे रख देना, और जो दूसरी प्लेट है ना उसमें धनिया साफ करके रख देना। फिर बाद में जब सालन बना लेंगे ना उसमें डालेंगे, थोड़ा सा रख देंगे। तुम चटनी के लिए कह रही थी ना, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं तो रात ही वापस आ गया था घर, क्योंकि अबू मुझे रात को छोड़ गया था। तो फल फ्रूट भी लिए थे, वो भी फातिमा ने खाए थे, क्योंकि मेहनत तो बहुत ही, मुझे तो मजदूरी करनी नहीं आती, क्योंकि बहुत ही अबू जान ने कहा कि आप मजदूरी नहीं कर सकते, अभी आप छोटे हैं, काम मुश्किल था ना, काम हाँ मुश्किल था। तो इसलिए मुझे अबू ने कल रात को घर छोड़ दिया था, घर भी पीछे से गया था, तो सब्जी लेने के लिए भी, सब्जी लेने वाला भी कोई नहीं था, तो इसलिए अब ने मुझे छोड़ कर चला गया था। और फातिमा भी उदास हो जाती थी, आज ना ये ऐसे बैठी है, वैसे खुश बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ना इसके दांत को दर्द है, रात इसने मीठा खा लिया था ना, इसी वजह से इसके दांत को थोड़ा दर्द है, तो इसीलिए थोड़ा खामोश होकर आज बैठी है। शाम को ना फिर वो दवाई रखेंगी। तो ये देख सकते हैं अम्मी ने कल, क्योंकि कल बाहर जैसे आया था सब्जी वाला, तो हमने गोभी इकट्ठी लेके मैं दे के गया था, तो इसलिए वो आज पड़ी थी, वो अम्मी पका रही है। तो इंशाल्लाह कल सब्जी चौक से ले आऊँगा, तो इंशाल्लाह कल पकाएंगे। तो फातिमा के लिए तो मैं रात माल्टे और मूँगफलियाँ लेके आया था, तो फातिमा कल चौक पर जाऊंगा तो फातिमा क्या खाओगी, कल क्या लेके आना फिर? मीठा तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं लेकर आना, क्योंकि पहले भी इसके ना थोड़ा दांत को दर्द है। चिकन पसंद, मुझे चिकन पसंद, इंशाल्लाह कल चिकन लेंगे, बहुत ही मजा आएगा। हाँ, महंगा भी बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि दो दिन हो गया ना गोभी बनाते। आप बिस्कुट पापड़ वगैरह नहीं खाते? तुम
शाम को तो हम चिकन बनाएंगे, दोपहर को तो हम क्या बनाएंगे? आलू पड़े हम के सोच रहे हैं कि सुबह आ जाए इसकी फरमाइश पे हम दोपहर को चिप्स बना लें। चलो ये बात ठीक है, फिर कल दोपहर को चिप्स बना लेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा तो चिप्स ही बना लेंगे। हाँ चिप्स क्यों नहीं, चिप्स तो बना लेंगे। आलू तो बहुत सारे आलू तो सस्ते हैं, लेकिन घी बहुत महंगा है। घी में ही तो चिप्स बनती है। घी से तो ज्यादा अब चिकन महंगा हो गया है ना। 600 रुपए किलो हो गया है। फातिमा को मैंने बताया था इसलिए फातिमा बोल रही है 700 रुपए किलो हो गए। सराय के जमाने 700 रुपए किलो भी मुझे दो फातिमा। इसको यहाँ पे रख देती हूँ, अभी मसाले बना लेते हैं, फिर गोभी धोएंगे तो फिर डालेंगे। गोभी तो इतनी सस्ती है, चलो शुक्र है ये सब्जियां तो सस्ती हैं ना। गोभी के रख दिया है, मुझे तो कुछ पसंद भी नहीं है गोभी। मैं तो नहीं, अच्छी बात नहीं होती है, सब्जी तो सब्जी होती है ना। तुम किसी और कुछ और बना के दे दूंगी, उसके साथ खा लेना। तो फातिमा आप नींद नहीं आती थी? मुझे तो वहाँ पर नींद भी नहीं आती थी। आज हम रात को पलंग पे दोनों शुएब और मैं गेम भी खेलेंगे और हम लड़ेंगे भी। सही, इसको मैं तो अच्छी तरह से मुक्का कर दूंगी। ये जहाँ भाग जाता है क्या इधर से? क्या ये छोटी है तो मैं इसलिए इसको नहीं मारता। इस ये कहता है इधर से कि मुझे तो काम आ जाता है, मुझे तो फिर जाके उधर कहते नहीं मुझे तो नहीं आता, तो फिर इसको रात को मैं मुक्का मारूंगी। मैं जब फातिमा को रात को डराता हूँ तो फिर अम्मी के पास भाग जाती है। छोटा सा बिल आता है उससे डरती है, जोर से चीखे मारती है, कहती है अम्मी अम्मी। तब तुम कैसे करते हो? मैं नहीं डरता उसके साथ। वो आदी हो गया है ना, हम उसको थोड़ा सा रोटी डाल देते हैं फिर वो रोजाना आ जाता है। तो प्यारी बात, मैं तो छोटी हूँ, मैं तो डर जाती हूँ, ये तो बड़ा है, ये तो नहीं डरता। तो मुझे मेरे ख्याल में अम्मी को अम्मी को तिरका नहीं, साल उनको तिरका लग चुका है। हाँ अभी गोभी धो के फिर डालेंगे मसाले को। अभी शुएब और फातिमा ना दोनों खेलने चले गए हैं, और शुएब भी अपने कजनों के पास चला गया है। वो भी उदास हो रहे थे ना, शुएब चला गया था ना। तो अभी मैंने गोभी डाल दी है, क्योंकि गोभी काफ़ी देर लग जाएगी सुबह उबलने में, तो फिर रोटियां बनाएंगे। आज रोटियां भी तवे पे बनाएंगे, क्योंकि तंदूरी पे तो आप नहीं जलाते ना। आप सर्दियां भी बहुत ज़्यादा हैं और तवे की रोटी भी बहुत ज़्यादा नरम नरम होती है। तो वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, और अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और अपनी फैमिली में हंसता और मुस्कुराता रखे। और जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बड़ों का साया हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे भी लोग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।